زنده باد خان صاحب زنده باد خان صاحب زنده المسلمين زنده باد المسلمين زنده باد المسلمين زنده باد पूरा 7 दिन पहले मेरे से वादा करे थे 15 दिन पहले अमेरिका जाने से, इंशाल्लाह तुमको मिलेगा टिकट और मैं तुम्हारा काम करने वाला हूँ। मुमताज भाई ने कहा था, मैं किसी के सामने नहीं कहा, कुछ लोग वहां पर सुन लिए थे और मेरी बात को गवा देंगे। तो मेरे भाई की बात है कि मेरे ही जाने वाला मेरा एक मुखलिस मेरे भाई को आपके हल्के से उम्मीदवार बनाया गया, तो मेरी आपसे यही अदबन गुजारिश है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके लिए कोई नई जमात नहीं है। मजलिस इत्तेहाद से फिर एक बार यही मोहतिबाना इल्तिजा है कि आप इलेक्शन के अंदर आप अपने उम्मीदवार को भारी अक्सरियत से मुंतखब करें। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। आली जनाब, नखीबे मिल्लत बारिस असदुद्दौला साहब MP, मुझ पर एतमाद कर आपका उम्मीदवार मुझे बनाया, और हबीब मिल्लत अलीजा अकबरुद्दीन साहब पूरे भरोसे के साथ मुझ पर भरोसा रखकर आपका उम्मीदवार बनाया, और मैं मेरे अपने बड़े बड़े भाई जो 1986 से मैं और मुमताज़ भाई साथ रहे काम कर रहे हैं, मैं भी काउंसलर था, उन्होंने भी काउंसलर थे उस वक्त से लेकर आज तक, क्योंकि मेरे सीनियर है, मेरे बड़े हैं, मैं भी उनसे मशवरा करता था, हमेशा मुझे छोटे भाई की तरह उन्होंने ट्रीट किया, छोटा भाई समझकर कभी मुझे मशवरा करता था, बताते थे कि मियाँ ऐसा नहीं ऐसा करो। जब मेयर था उस वक्त भी उन्होंने साथ दिया, और यही वो शख्स थे, लोगों ने कई बात कही, आजकल तो कुछ काम नहीं है अखबार वालों के पास, कुछ ना मुझे चोचा छोड़ दो आवाम में, ऐसा इन्होंने किया। आज ये खातून रहेंगे, आज बिल्ली यहाँ से उछली, दारुसलाम से बिल्ली निकल कर कहीं घर पे गई, क्या बात है। ये ऐसे अखबार ये लिखते रहेंगे, ये चिल्लर अखबार है, ये अखबार की बातों में मत जाइए। आपने देख लिया बाज़दल शख्सियत है मुमताज़ भाई, आज भी हमारे MLA हैं, MLA ही रहेंगे, मैं भी अगर MLA रहूँगा तो उसी तरह उनके साथ काम करूँगा, मेरे बड़े भाई हैं वो, वैसी रहेंगे। आज उन्होंने आकर ये साबित कर दिया आपके सामने कि जो लोग कह रहे थे ये वो बात कह रहे थे, तरह तरह की बातें, साबित कर दिया कि मैं ज़र्फ़ वाला शख्स हूँ, मैं जमात का हूँ, जमात के साथ ही रहूँगा। 30 साल से जमात के MLA रहे, 5 साल काउंसलर रहे, अल्लाह ने उनको इज्जत से इतना नवाजा, हर चीज़ से नवाजा कि एक शख्स को 30 साल MLA मामूली बात नहीं है, 5 साल काउंसलर अल्लाह ने नवाजा। ये छोटी मोटी चीज़ों के लिए क्या अपनी वफादारी से कोई दूर हो सकता है? जमात को बनाने वाले लोग थे ये, जमात के बुरे वक्त के साथी हैं ये लोग, वो जमात को कमज़ोर होने नहीं देते। जमात को कमज़ोर करना कौम को कमज़ोर करने की बात है। मैं मुमताज़ भाई का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, मुख्तार भाई का भी करता हूँ, जलसे में आकर उन्होंने कल मुझे मिले यहाँ पर, मैं आ रहा हूँ जलसे में, उन्होंने कहा, और हर जलसा वो अटेंड करेंगे इंशाल्लाह, अगर हुआ तो मैं उनको पैदल दौरे में भी लूँगा, ग्रुप मीटिंग में भी लूँगा। पूरा 7 दिन पहले मेरे से वादा करे थे, 15 दिन पहले अमेरिका जाने से, इंशाल्लाह तुमको मिलेगा टिकट और मैं तुम्हारा काम करने वाला हूँ। मुमताज़ भाई ने कहा था, मैं किसी के सामने नहीं कहा, कुछ लोग वहाँ पर सुन लिए थे और मेरी बात को गवा देंगे। तो मेरे भाई आपसे ये कह रहा हूँ कि मजलिस का निशान पतंग है, अपने परसेंटेज ऑफ पोलिंग को बढ़ाइए। पहले के दौर में 90% पोलिंग होती थी, 95% कई मरतबा 112-115 मरतबा भी हो गई, 60% पोलिंग हुई तो कहते थे बिल्कुल कम है, क्या पोलिंग कराए पूछते थे। आज हमारी पोलिंग 50% पर आ गई, पोलिंग को बढ़ाओ मेरे भाई, वरना जो मेहनत करे जलसे जुलूस पैदल दौड़े जो भी हो रहे हैं, आप भी फिर रहे, मैं भी फिर रहा, धूप में पानी में जैसा भी रहेगा, ये चीज़ कोई काम नहीं करेगी। एक दिन अपना नहीं समझकर अपने घरों से हर अपने घर के लोगों को निकालिए, अपने पड़ोसियों को निकालिए, रिश्तेदारों को निकालिए, अपने महल्ले के लोगों को निकालिए, महल्ला छोड़ के मत जाइए, जिसकी जिम्मेदारी थी वो करिए, एक एक वोट सुबह से मजलिस के हक में इस्तेमाल करिए, यकीनन हम 90% को क्रॉस करेंगे, 90% क्रॉस करेंगे। पतंग हमारा निशान है, पतंग हमारा निशान है, निशान पर बटन दबाइए, आपकी अपनी जमात, आपका अपना उम्मीदवार, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का उम्मीदवार आपका उम्मीदवार है,
चाहे मैं रहो या कोई रहो, शख्स की अहमियत नहीं है, जमात की अहमियत है। आप अगर मजलिस को वोट डाल रहे हैं या आज मैं उम्मीदवार हूँ, गलाब हो सकते हैं, मुझे वोट डाल रहे हैं, ये समझिए आप अपने आप को वोट डाल रहे हैं, अपने आप की हिफाजत आप कर रहे हैं, अपने अपने आप की हिफाजत के लिए मजलिस को वोट डाल रहे हैं, आप अपने आप को वोट डाल रहे हैं, ये समझ कर पतंग हमारा निशान है। मजलिस के निशान पर, पतंग के निशान पर बटन दबा कर मजलिस को कामयाब करिए। ताजा वहाँ के उम्मीदवार हैं। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।